नमस्कार। बिहार का बाहुबली आनंद मोहन, जिसे आज सहरसा जेल से रिहा कर दिया गया और इसके लिए बकायदा नीतीश कुमार की सरकार ने जेल के नियमों में बदलाव किया और उसके बाद से ये कहा गया कि आनंद मोहन को जेल से इसलिए रिहा किया जा रहा है क्योंकि जेल में उनका आचरण, उनका व्यवहार ठीक था। लेकिन एबीपी लाइव के हाथ वो दस्तावेज लगे हैं जो इस बात का खुलासा करते हैं कि जेल में रहते हुए आनंद मोहन का व्यवहार कतई ठीक नहीं था। ये वो FIR की कॉपी है जो इस वक्त हम आपको आपके स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये साल 2021 में FIR की गई थी। उस वक्त बिहार में उपचुनाव हो रहा था और सहरसा जेल में छापेमारी होती है कि भाई जेल में जो कैदी बंद हैं उनके पास मोबाइल फोन या फिर कोई भी संदिग्ध चीज तो नहीं है, और इस छापेमारी में आनंद मोहन के पास से 4 मोबाइल फोन बरामद होते हैं। 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 मोबाइल फोन, और उसके लिए बकायदा FIR भी लिखी जाती है जिसकी कॉपी हम आपके सामने दिखा रहे हैं। और यह उस वक्त की घटना है जिस समय बिहार में उपचुनाव हो रहे थे, यानी कि यह बात तय था कि जेल से ही आनंद मोहन फोन के जरिए चुनाव में एक्टिव था, लोगों से बातचीत कर रहा था और वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था। ये आरोप है। अब आप मुझे एक बात बताइए, सरकार ये कह रही है कि आनंद मोहन का व्यवहार बिल्कुल ठीक था, बहुत अच्छा था और इसीलिए आनंद मोहन जी को हम जेल से रिहा कर रहे हैं। लेकिन आप हमें बताइए कि जेल के नियम है, ये जेल के नियम है कि जब आप जेल में हैं तो आपके पास मोबाइल फोन नहीं होना चाहिए, आपके पास कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए, लेकिन जेल से आपके पास से अगर मोबाइल फोन बरामद होता है इसका मतलब साफ है कि आप जेल के नियमों को तोड़ रहे हैं, और अगर आप जेल के नियमों को तोड़ रहे हैं इसका मतलब यह भी साफ है कि आपका जेल के अंदर आपका व्यवहार ठीक नहीं है। तो फिर किस आधार पर नीतीश कुमार को यह लगता है, बिहार की सरकार को यह लगता है, उन तमाम नेताओं को यह लगता है कि आनंद मोहन का व्यवहार ठीक है? किस आधार पर आप व्यवहार ठीक होने की बात कर रहे हैं? जेल से मोबाइल फोन बरामद होना किसी कैदी के पास से, क्या यह व्यवहार ठीक होने का सबूत है? ये 8 पन्नों की FIR, ये चार्जशीट हम आपको दिखा रहे हैं आपके स्क्रीन पर। देखिए, इसमें बकायदा मेंशन किया हुआ है कि आनंद मोहन जहां पे बंद थे उनके लॉकअप से क्या क्या चीजें बरामद हुई हैं। 4 मोबाइल फोन, बकायदा उसका IMEI नंबर, मोबाइल चार्जर, उन सारी बातों का उल्लेख है। साल 2021 का यह मामला है जब बिहार में उपचुनाव चल रहा था। तो ये अब आप सोचिए, अब आप हमें बताइए कि क्या वाकई में आनंद मोहन का व्यवहार ठीक था? क्या वाकई में आनंद मोहन ने जेल के सारे नियमों के पालन किए थे? क्या वाकई में आनंद मोहन जेल में ठीक से रह रहा था जिसके आधार पर आज उन्हें रिहा कर दिया गया? या फिर आनंद मोहन को रिहा करने के पीछे एक सबसे बड़ी वजह है वो ये है ताकि 2024 में और उसके बाद से 2025 में जो बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं उसमें वोटों की फसल काटा जा सके। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आपकी राय एबीपी लाइव के लिए काफी मायने रखती है, इसलिए अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।